हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जोन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, क्लास टेंथ की। करने से पहले हमें कुछ सम के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। तो गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे कि आपका कोई भी इसके अंदर कंसेप्ट मिस ना हो। फॉर्मूलेस देखते हैं हम इसके। अब तो सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था एपी का an का फॉर्मूला। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर जो यूज़ होगा वो सम का फॉर्मूला होगा। ये सम के यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला और होता है सम का जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो या लास्ट टर्म कैलकुलेट करनी हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं एन बाय टू इंटू ए प्लस एल। ये दो फॉर्मूलेज हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। इसी के बेस पे जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट पार्ट है इसका 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले गिवन चीज़ें हमें पता होना चाहिए क्या है। तो यहाँ पर गिवन है ए इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर डी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डी होता है ए टू माइनस ए वन विच इज़ इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पर बोल रखा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज और हमें स्टेटमेंट गिवन है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो यहाँ पर हमें जो 10 टर्म्स निकालनी है कि n की वैल्यू है 10 और हमें कैलकुलेट करना है सम। तो यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला होता है n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n की जो वैल्यू है 10 थी, तो हमें एस 10 कैलकुलेट करना है। एस 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 प्लस n इज 10 माइनस 1 इंटू डी इज 5। यहाँ पर वैल्यूज हमने पुट कर ली हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 5 इंटू यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 9 इंटू 5। इसे सॉल्व करते जाएंगे, 4 प्लस 9 5 ज़ा 45। यहाँ पर 45 और 4 जो है 49 हो जाएगा, 5 इंटू 49। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 49 इंटू 5 होता है 245। तो ये होगा आंसर। तो इस पार्ट में हमने सिंपल सम कैलकुलेट करना था, हमें एन गिवन था, ए हमें पता लग गया और डी हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से एस 10 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है। तो इसके बाद जो हम कर रहे हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। फर्स्ट पार्ट इज 7 प्लस 10 1 बाय 2 प्लस 14 प्लस अप टू 84। इसको सॉल्व करते हैं और उससे पहले हम गिवन देखते हैं कि क्या गिवन है। इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमें ए पता लग रहा है, ए इज 7 और डी हम कैलकुलेट कर लेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे 10 2 ज़ा 20 प्लस 1 21 बाय 2। यहाँ पर हम डी कैलकुलेट कर लेंगे 21 बाय 2 माइनस 7। यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा 7 बाय 2। डी की वैल्यू आ गई 7 बाय 2 और यहाँ पर हमें गिवन है ए एन, ए एन इज इक्वल टू 84। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है, एन। एन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ए एन का फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे, ए एन की वैल्यू है 84 एंड ए की वैल्यू है 7 प्लस एन हमें कैलकुलेट करना है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7 बाय 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 बाय 2। 84 माइनस 7 आ जाएगा 77 एंड इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो ये वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी, तो एन माइनस 1 इसको रख के तो यहाँ पर हम सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, ये अपोजिट हो जाएगा 2 बाय 7। ये कट हो जाएगा। 11 2 ज़ा 22 एंड 22 इज़ इक्वल टू एन माइनस 1। एन इज़ इक्वल टू 22 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 23। एन की वैल्यू अब हमें पता लग गई, एन की वैल्यू आ गई 23। अगर एन की वैल्यू पता लग गई तो हम एस एन कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट हम करते हैं एस एन इसका कैलकुलेट। एस एन जो है फॉर्मूला होता है एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
सो यहाँ पर एन की वैल्यू पता लग गई, तो एस 23 हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू ए की वैल्यू हमें पता है कितनी थी, यहाँ से देख सकते हैं हम ए की वैल्यू 7 है, प्लस एन हमने भी कैलकुलेट करा ही है, 23 माइनस 1 एंड डी हमें पता ही है 7/2, सो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 23/2 एज इट इज़ रहेगा, और उसके बाद 7 × 2 = 14 प्लस इसके बाद 23 - 1 = 22 मल्टीप्लाई बाय 7/2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा, सो यहाँ पर आ जाएगा 23/2, और यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस 11 इंटू 7 हो जाएगा 77, सो इसको ऐड कर लेंगे हम, 23/2 इंटू 7 × 4 = 11, 7 × 1 = 8 और 1 = 9, सो यहाँ पर ये आ जाएगा 23 × 91/2, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2093/2, और इसको फ्रैक्शंस में भी हम लिख सकते हैं 10461/2, तो ये होगा आंसर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एस एन कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।